दोस्तों हमारे मन में काफ़ी बार ये सवाल आया होगा कि एप्पल आईफोन से जो नॉच क्यों नहीं निकलता। देखा होगा आपके पास आईफोन है या नहीं तो भी आपने देखा होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। आईफोन के ऊपर जो नॉच होती है, हालांकि जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनमें कोई भी नॉच नहीं रही, जो कैमरा है वो भी इनबिल्ट हो गए, अब पता भी नहीं चलता जो डिस्प्ले के अंदर कैमरा है, लेकिन आईफोन अपनी नॉच क्यों नहीं निकल रहा। हम सभी को मालूम है जो एप्पल है प्राइवेसी के लिए काफ़ी सिक्योर फोन है। बोल रहे होंगे प्राइवेसी का और नॉच का क्या संबंध है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आईफोन में जो इतनी बड़ी नॉच होती है फेस आईडी अनलॉक के लिए होती है, वैसे तो एंड्रॉयड में भी फेस आईडी होती है, लेकिन जो एंड्रॉयड में फेस आईडी फीचर होता है वो सॉफ्टवेयर बेस पे होता है। सॉफ्टवेयर की मदद से जो फेस आईडी आपकी ओपन होती है, इसके मदद से आप जो बाईपास भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इससे बाईपास भी करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले से लोगों ने अपने जो फोटो से भी अपना फ़ोन अनलॉक किया है, और उसके बाद कुछ लोगों ने जैसे आप किसी का पुतला बना के भी फ़ोन अनलॉक किया है। इसमें जो आपको ऊपर के साइड में 3 कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका जो सेंसर, स्पीकर और जो आपका कैमरा आपके गर्लफ्रेंड के साथ आपको सेल्फी वगैरह खींचने के लिए। गर्लफ्रेंड नहीं है तो अपना जो कैमरा है उसे तोड़ दो। ये ना समझाओ दोस्तों, कैमरा तोड़ने की जरूरत नहीं, तोड़ना है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन तोड़ दो, लाल से काला करो। तो जो आईफोन में नॉच होते हैं उसके पीछे जो काफी सारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जिसके मदद से जो आपका फेस आईडी वगैरह अनलॉक होने में मदद होती है। नॉच के अंदर जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं सारे के नाम बताता हूं मैं। सर माइक्रोफोन, फ्रंट कैमरा, प्रोजेक्टर, डिल्यूमीटर, बाइट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फील्ड कैमरा, इसमें से 3 हार्डवेयर पार्ट्स आपको फेस आईडी के लिए काफी यूज होते हैं। सबसे पहले आता है फ्लू डिल्यूमीटर, उसके बाद डॉट प्रोजेक्टर, उसके बाद आईआर कैमरा। फेस आईडी अनलॉक करने में सबसे पहला जो स्टेप है फ्लू डिल्यूमीटर का है। दोस्तों जब हम हमारा फोन अनलॉक करने जाते हैं तो लॉक बटन जैसे प्रेस करते हैं तो हमारा जो फोन है हमारे आंखों के सामने होता है, तो हमारा फोन सामने होने के बाद जो हमारी आंखें खुली होती है उसके साथ बाद जो फ्लू डिल्यूमीटर है उसमें से जो रोशनी आती है आपके चेहरे पे आती है, ये लाइट्स बहुत ही कम होती है, आपको रात में भी नहीं पता चलता कि ये लाइट्स है या नहीं। इसी की मदद से जो आप अपना फोन है रात में भी अनलॉक कर सकते हैं फेस आईडी की मदद से। जब आपका जो फ्लू डिल्यूमीटर आपके चेहरे पे रोशनी भेजता है, उसके बाद जो आपका फोन है सॉफ्टवेयर की मदद से पता लगाता है जो आपके चेहरे की एग्जैक्ट पोजिशन क्या है। इसके बाद काम में आता है डॉट प्रोजेक्टर का। दोस्तों डॉट प्रोजेक्टर भी आपके चेहरे पर इनफील्ड लाइट्स ही भेजता है, लेकिन जो ये लाइट्स होती है बहुत ही छोटी छोटी डॉट्स होती है, यानी 30,000 डॉट्स होते हैं आपके चेहरे पे, 30,000 डॉट ऐसे भेजता है। भेजने के बाद जो आपका चेहरे का नक्शा बन जाता है उसके साथ जो आपका चेहरे का, जैसे कि आपका नाक ऐसे लंबा होता है, उससे की मदद से पता चलता है आपका नाक कितना लंबा है वगैरह, आपकी आंखें कितनी अंदर है वगैरह, उसी की मदद से जो आपका चेहरे का पूरा नक्शा बन जाता है। आता है आईआर कैमरा का काम। तो जो आईआर कैमरा जो डॉट लाइट्स होती है उन्हीं को कैप्चर करता है, और जो लाइट्स कैप्चर किए उसी की मदद से जो आपका चेहरा का नक्शा बना होता है लाइट्स की मदद से, उन्हीं को कैप्चर करके जो आपके फोन में पहले से जो आपका फेस आईडी रजिस्टर होता है उसी के साथ जो आपका डेटा मैच करता है, और मैच करने के बाद जो फोन है सब सही रहा तो आपका फोन फेस आईडी की मदद से अनलॉक होता है। तो ये सुनने में तो काफी लंबी प्रोसेस है, लेकिन आप इसे जब रियल लाइफ में यूज करते हैं आपको पता भी नहीं चलता आपका जो फोन है कब अनलॉक होता है। इसीलिए अभी तक एप्पल ने आईफोन से जो नॉच नहीं निकाला, लेकिन अभी हालांकि जो आईफोन 14 आने वाला है उसमें जो नॉच है निकलने वाला है। आईफोन 14 आने के बाद हमें पता चलेगा जो हमारे फेस आईडी के लिए कितना सिक्योर है, कैसे काम करता है वगैरह, आने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको आईफोन नॉच के इस सीक्रेट के बारे में पता था या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर पता चले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आइए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।